हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर एट साइट पर। और मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ आज आपके लिए, जो साइट पर रहते हुए एक सिविल इंजीनियर के लिए उस जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर किसी भी सिविल इंजीनियर को, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वो अगर सिविल इंजीनियर भी नहीं है तो मैकेनिकल इंजीनियर हो, मतलब कहने का ये है कि अगर वो किसी भी फील्ड में एक इंजीनियर है, अगर उसे एस्टीमेट नहीं आता है तो वो अपने आप में एक कमी महसूस होती है उसे। क्योंकि अब मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं उसके तौर पर एक आपको एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। आपको जैसे कोई एक बिल्डिंग बनानी है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए उसमें आपको कितनी लेबर की ज़रूरत होगी, किस किस मशीनरी की ज़रूरत होगी, कितनी क्वांटिटी में मशीनरी की ज़रूरत होगी, कौन से टूल्स लगेंगे। अब ये तो होगी मशीनरी की बातें। अब उसी के साथ में दोस्तों, अब हम करते हैं एक पॉइंट और आता है हमारे पास में, कॉस्टिंग। एक पॉइंट आता है कॉस्टिंग। अगर हमें एस्टीमेट के साथ साथ कॉस्टिंग की भी जानकारी हो तो हमारे लिए बेस्ट होता है। क्योंकि अगर हम जब हम एक बिल्डिंग को बना रहे होते हैं, उस बिल्डिंग को बनाने से पहले हम उसको एस्टीमेट तो लगा देते हैं कि इसमें 4 लेबर लगेगी, या फिर एक फॉर एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि एक वॉल है और इस वॉल को 4 मीटर लंबी वॉल है और इस वॉल को बनाने के लिए इतनी लेबर की ज़रूरत होती है। एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कि 4 लेबर की ज़रूरत होगी और 10 कट्टे सीमेंट के लगेंगे और 20 फीट कोरसैंड लग जाएगा, या डस्ट कह सकते हैं हम। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें अगर एस्टिमेट करके निकाल भी लेता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर जिसके अंडर में आप काम करते हैं, या फिर ओनर जिसके लिए आप काम करते हैं, वो ये भी तो आपसे पूछेगा कि इस 4 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी। अगर आप कॉस्टिंग नहीं कर सकते तो आपके लिए एक थोड़ी सी परेशानी की बात होती है, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी आज से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो आगे भी लेकर आता रहूँ। ये मेरा आज के लिए फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ कि एस्टीमेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। एस्टीमेट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता था कि हम इस एस्टीमेट में हम ये कैलकुलेट करते हैं हमें लेबर, मशीनरी, टूल और इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और दोस्तों, अगर एस्टीमेट किसी भी एक इंजीनियर को आता है तो वो अपनी इसमें इमेजिनरी पावर को यूज़ कर सकता है। क्यों? वो कैसे यूज़ कर सकता है? वो इस तरीके से यूज़ कर सकता है, जब वो किसी बिल्डिंग को बनाएगा तो एक अज्यूम करके चलते हैं कि इसमें हमने इतनी चीज़ को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट बिल्डिंग का यूज़ करेंगे तो हम एक आइडिया ले लेते हैं, हमारे पास एक आइडिया हो जाता है कि हमने वहाँ पर काम किया था तो वहाँ पर इतना मटेरियल, इतनी लेबर का कॉस्ट हुआ था और इतनी सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। तो हम जब दूसरी जगह पर काम करेंगे तो दूसरी जगह पर हमें काम करने के लिए हम उसी के एवज में उन सब चीज़ों को काउंट कर लेते हैं। अब बात आती है कि दोस्तों, एस्टीमेट जो होता है, एस्टीमेट का मेन पर्पस क्या क्या होता है, पर्पस क्या होता है मेन पर्पस हमारे एस्टीमेट के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेन पर्पस ऑफ एस्टीमेट। सबसे पहले मेन पर्पस क्या होता है एस्टीमेट का? दोस्तों, एस्टीमेट का जो मेन पर्पस होता है, सबसे पहले पर्पस होता है कि हमें उसमें जो जितना भी खर्चा होने वाला होता है, एक्सपेंडिचर जो होने वाले होते हैं उसमें, उनका हमें आइडिया लग जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कि हम उसमें जो मटेरियल यूज करेंगे या फिर हमारी लेबर कितनी यूज होगी उसमें, और हम उसमें टाइम कितना देंगे उस बिल्डिंग को बनाने में या उस प्रोजेक्ट को बनाने में। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों कि हमारे जो उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन हम ऐड करते हैं तो वो स्पेसिफिकेशन हमारी क्या क्या हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है नॉर्मली हम सभी बिल्डिंग में या सभी प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, तो हमें अगर अलग अलग प्रोजेक्ट मिलते हैं तो हमें हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन मिलती हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि नंबर फोर्थ पर कि हमारी वर्क
प्रोग्रेस कैसी रहती है, हमारी वर्क प्रोग्रेस कैसी रहेगी कि हमने लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट वन को स्टार्ट किया था तो उसमें प्रोग्रेस कैसी रही थी, प्रोजेक्ट टू को स्टार्ट किया तो हमारी उसमें प्रोग्रेस कैसी रहती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद फिफ्थ नंबर में कि हम जब किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेने होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेने होते हैं कि सभी कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे आपको बिल्डिंग प्लान तैयार करना है उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा, आपको उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कराना है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग दिया जाएगा, और प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा। तो इसी तरीके से सभी काम के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। और लास्ट है दोस्तों आपका कि जब आप इस काम को करने के बाद पेमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट का भी इसमें क्या होगा कि इसमें पेमेंट का आइडिया हो जाता है कि आपको एक प्रोजेक्ट वन को ख़त्म करने में इतनी पेमेंट हमारी पे करनी थी और प्रोजेक्ट टू को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें कितनी पेमेंट थी या फिर हमें कितनी हमें वेल्थ की ज़रूरत होगी या कितनी मनी की ज़रूरत होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस जगह पर आपको कॉस्टिंग करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। कॉस्टिंग करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कॉस्टिंग करने के लिए जब भी हम किसी भी बिल्डिंग को या फिर प्रोजेक्ट को बना करके तैयार करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को तैयार करने से पहले, वो प्रोजेक्ट जब हमारा तैयार हो जाता है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब वो वर्किंग कंडीशन में होगा कोई भी प्रोजेक्ट तो उसमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन आएगा, कुछ ना कुछ रिपेयरिंग वर्क होगा, कुछ हर साल मेंटेनेंस किया जाएगा, तो कुछ ऐसे ही चीज़ें उसमें आती हैं तो हमें उसका एनालिसिस करने के लिए भी कॉस्टिंग करने की ज़रूरत होती है। और कॉस्टिंग में इन सब चीज़ों के साथ साथ में जब हम किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो लोन के समय पर हम क्या करते हैं, किसी भी बिल्डिंग पर जब लोन या किसी प्रोजेक्ट पर लोन दिया जाता है या हम लेने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि आपकी बिल्डिंग की या आपकी प्रॉपर्टी की उसकी वैल्यू कितनी है। और उसके बाद आता है जब आप इसी प्रोजेक्ट को सेल करते हैं या फिर आप किसी भी प्रोजेक्ट को परचेज करते हैं तब भी आपको वैल्यूएशन करने की ज़रूरत होती है कि इस प्रोजेक्ट में आपकी कितनी वैल्यू निकलती है, इसकी कितनी वैल्यू हम इस कितनी वैल्यू के बेस पर हम इसको सेल या परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट है, जब भी हम इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट को हमने क्या किया, बंधक बना के रख दिया है। बंधक कहने का मतलब ये हो जाता है कि हमने किसी को, जैसे हम किसी के से कोई हमने, मैं इसमें लोन की बात करता हूँ, तो लोन में जैसे हमने क्या किया था, लोन में हमें पेपर्स क्या करने होते हैं, शो करने होते हैं, लेकिन इस बंधक में क्या सिस्टम होता है कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अपनी सिक्योरिटी के रूप में वहाँ पर रखनी होती है। जैसे अब मैं आपको जब कॉन्ट्रैक्ट वाले पोर्शन में आपको कॉन्ट्रैक्ट वाली वीडियो में बताऊँगा कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी मनी हम वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में जब हम किसी बिल्डिंग को तैयार करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग या फिर वैल्यूएशन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम उसको प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी कहीं भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।